गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए वीडियो खास होने वाली है, खासकर वो छात्र जिन्होंने 12वीं के साइंस साइड के एग्जाम दिए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आखिर क्या खास है गुजरात बोर्ड के छात्रों के लिए। जी हाँ, गुजरात बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए जो खास बात है उनके रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है मैं आपको बताऊँगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल उन खबर। सबसे पहले बात करें गुजरात का जो 12वीं क्लास के छात्र हैं उनके रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट को लेकर ये अपडेट है कि 9 मई को साइंस साइड के रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ, 12वीं क्लास के सभी स्ट्रीम के रिजल्ट नहीं आएंगे, ये नोट करने वाली बात है कि केवल साइंस साइड के 12वीं क्लास के रिजल्ट कल घोषित कर दिए जाएंगे। और कल सुबह गुजरात की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिजल्ट की, गुजरात एजुकेशन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर सुबह 8 बजे गुजरात एजुकेशन बोर्ड के 12वीं क्लास के साइंस साइड के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे अगली मॉर्निंग 8 बजे। अब बात हो गई, अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर तो ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है GSEB.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गुजरात एजुकेशन बोर्ड की जहाँ 12th के साइंस साइड के परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं अगर बात करें स्टूडेंट्स की तो करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12वीं क्लास के एग्जाम दिए साइंस साइड से गुजरात एजुकेशन बोर्ड के थ्रू, तो 1.5 लाख स्टूडेंट्स को अपने भविष्य का इंतजार है, अपने रिजल्ट का इंतजार है कि उनका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट को लेकर अपडेट थी। वहीं बात करें अगर रिजल्ट चेक करने को तो रिजल्ट आप कहाँ चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। रिजल्ट चेक करने को अगर बात किया, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट जो थी GSEB.org की ऑफिशियल वेबसाइट थी, तो ही इसके अलावा 2 और ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप कल सुबह 8 बजे के बाद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये 2 अनऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वैसे, जिनमें से एक है examresult.net और दूसरी वेबसाइट है indiaresult.net। इन 2 वेबसाइट पर आपका रिजल्ट जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उपलब्ध होंगे। अगर बात करें रिजल्ट चेक करने को लेकर तो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अनऑफिशियल वेबसाइट, इन तीनों में से कोई भी एक वेबसाइट खोलने के बाद आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा गुजरात एजुकेशन बोर्ड के 12th क्लास के रिजल्ट का। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर आपसे आपकी डिटेल्स मांगे जाएंगे, डिटेल्स फिल करने के बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा, उसको आप भविष्य के लिए प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो। ये थी गुजरात 12th बोर्ड साइंस साइड के रिजल्ट को लेकर अपडेट। बाकी 2 स्ट्रीम्स को लेकर हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो हम आपके बीच जरूर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।